दोस्तों, हमने 2018 में इस गार्डन की शुरुआत की थी। पहला पौधा इसी टीम ने लगाया था। ये मेरी बेटी है प्रियंका और ये इंद्रजीत है और ये अपने छोटी इंचार्ज है ताराचंद जी और हमारे गार्डन के कोषाध्यक्ष भी है, उनका लड़का है निखिल और मैं देवाराम। हमने, आप इस फोटो में देख सकते हैं, हमने पौधा लगाया था, इस गार्डन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन हमने इस गार्डन की शुरुआत की थी। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना आपको दोबारा अवगत कराया जावे, हमने शुरुआत के टाइम में यह क्या था और आज ये क्या हो गया। इन बच्चों को मैंने बुलाया वापस और इनका भी हौसला अफजाई किया, इनसे भी हम बात करेंगे। पहले तो आप सभी चैनल वास चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सारे को नमस्कार। तो ये जो पेड़ लगाओ की मुहिम शुरू की थी सर ने, देवराम जी ने, तो आज लगभग 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमें अभी भी याद है 4 वर्ष पूरे। हमने सोचा भी नहीं था कि सर इतनी मेहनत से, इतनी डेडिकेशन से इसको इतना हरा भरा कर देंगे। और आज 4 वर्ष के बाद अगर आप राजकीय अस्पताल के इस गार्डन को आकर देखेंगे तो आपको मेहनत जो इन्होंने की है वो आपको साफ साफ नजर आएगी। और फिर इन्हीं से इंस्पायर होकर हमने भी अपने स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पेड़ पौधे लगाए और इन्हों से भी हमने पूछा जब भी कोई दिक्कत आती थी कि कौन से पौधों में हमें कौन सी खाद देनी है, ये दिक्कत है, तो सर हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने धन्यवाद। अब मैंने पौधे लगाने क्यों शुरू किए, इसका कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे शरीर में पेन होता था, जॉइंटों में पेन होता था। मैं हमेशा वर्कआउट करता था, जिम जाता था, तो मेरे जॉइंट पेन होने शुरू हो गए। हमने डॉक्टर साहब से सलाह ली और डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी विटामिन डी की कमी है, तो आप सुबह कम से कम 1 घंटा धूप ले। तो मैंने सोचा क्या करें, धूप ऐसे तो ली नहीं जा सकती, उठा ही नहीं जाता। तो मैं हमेशा सुबह सुबह उठना और डेली ये पौधों में लग गया। तो आज आप देख सकते हैं कि एक अस्पताल में एक रौनक सी हो गई। मैं आप लोगों को, सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी, मैं कोई बड़ा कर्मचारी नहीं हूँ, अस्पताल का सबसे अंतिम कड़ी का कर्मचारी होके इतना बड़ा गार्डन हम स्थापित कर सकते हैं। तो आप लोग भी मुहिम चलाएं, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और ये बच्चे हैं, इन्होंने भी, आप देख सकते हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए और ये आज मोटिवेशन होके जा रहे हैं यहाँ से। हम ये जहाँ पेड़ लगा रहे हैं वहाँ भी हम जाएंगे और इनका सहयोग भी करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि स्वस्थ रहें और अपना वातावरण अच्छा रहे, हरियाली रहे। धरती माँ पर कम से कम अपन हरियाली की चादर चलाने में कामयाब हो।